हेलो बच्चों अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शाहिद सरज एजुकेशन पॉइंट बीजी थर्ड सेमेस्टर का डेट शीट निकला है तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले थर्ड सेमेस्टर का जो एजुकेशन का सिलेबस है वो कंप्लीट करें तो जल्दी जल्दी से बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो आई एम हियर विद न्यू टॉपिक तो इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था टू फैक्टर थ्योरी है बेटा जितना जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ना वो आप अच्छे से देख लें कंटिन्यूसली देख लें उसी में से इंशाल्लाह पेपर आएगा तो जो मैंने वहाँ पे लिखा बोर्ड में मैंने लिखा है तो थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज का लेक्चर हमारा जो है दैट इज़ फॉर थर्ड सेमेस्टर एंड माय डियर टुडे आवर टॉपिक इज़ ग्रुप फैक्टर थ्योरी आपके सिलेबस में है इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वाला मतलब क्वेश्चन उठाया जो अगर हम ग्रुप फेटर थ्योरी की बात करेंगे तो दिस थ्योरी वाज बेसिकली गिवन इन विच ईयर नाइनटीन तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं बिल्कुल आप एग्ज़ाम में खाली ये पॉइंट्स लिखेंगे उसके बाद ये वाला पॉइंट्स जब मैं एक्सप्लेन करूँगा उसके बाद मैं आपको एक uh, एक फ़ाइल शेयर करूंगा तो फाइल के थ्रू ही आप जितने भी पॉइंट्स हैं आप इसको आराम से कॉपी पे उतार सकते हो ठीक है एक स्क्रीनशॉट एक पेज मैं आपके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो इनका डिस्क्रिप्शन है वो एक एक पॉइंट है वो आप आराम से देख सकते हैं और एक अच्छा खासा नोट भी बना सकते हैं तो ये कल डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा तो आप, आपको आराम से इनशाला Uh, मतलब ये अच्छा खासा क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आएगा और यू कैन ईजीली राइट दैट इन योर एग्जामिनेशन तो चलते हैं बेटा विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक वट इज़ टूडेज टॉपिक टुडेज टॉपिक इज ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो वट इज डेट डेट इज़ नाइनटीन हंड्रेड थर्टी एट ओके नाउ पहला पॉइंट इसी तरह पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो जितने ज्यादा आप पॉइंट्स लिखोगे पॉइंट बाई पॉइंट पॉइंट बाई पॉइंट उतना ज्यादा बेनिफिट है आपका ठीक है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका एग्जाम है अभी तो प्लीज़ जो मैं कहूँगा तो उस पर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे ठीक है एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू नंबर वन दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय चाहे आप गिवन लिखो गिवन बाय और फार्मुलेटेड बाय वट आपको जो इजी लगे हैं मैंने यहाँ पे लिखा दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय एल एल थर्स्टन तो ये जो एल एल थर्स्टन है ये अमेरिकन बॉर्न साइकोलॉजिस्ट है ये भी आप ऐड कर सकते हैं तो हो गया पहला पॉइंट ठीक है तो याद रहा वेरी गुड तो बिल्कुल आप हम डिटेल में नहीं जाएंगे जल्दी जल्दी से हम आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे वो भी जल्दी जल्दी एंड इनशाला समझ तो आपको आएगा आएगा तो ये जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना बेटा इसका दूसरा नाम क्या है ऑल्सो नोन एज पी एम ए प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हर किसी इंसान में ये एबिलिटीज होते हैं कौन से एबिलिटीज होते हैं आगे हम बात करेंगे तो याद क्या रखना है आपको अभी इसके इससे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी यूनिफैक्टर थ्योरी उसमें एक ही एबिलिटी थी फिर टू फैक्टर थ्योरी उसमें मैंने सुपेर मैंने कहा कि फैक्टर एनालिसिस के थ्रू उसने कहा कि देर आर ऑनली टू फैक्टर्स वन इज जी फैक्टर इज एस फैक्टर वो भी हमने डिस्कस किया लेकिन आज हम यहां पर बोलेंगे कि दे आर नॉट टू फैक्टर्स ऑनली एस फैक्टर और जी फैक्टर नो दे आर मेनी फैक्टर्स उन जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज तो याद रखना बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी तो हो गया पॉइंट नंबर क्लियर शाबाश नंबर थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिसिस देर आर 7 पीएमए व्हाट डू वी मीन पीएमए अभी तो मैंने बोला प्राइमरी मेंटल एबिलिटी तो कितने अकॉर्डिंग टू लन्स थोरस्टन पहली बार उसने कहा कि देयर आर 7 फिर लेटर ऑन मॉडिफाई हुआ फिर कहा कि देयर आर नाइन एबिलिटीज 7 टू 9 एबिलिटीज लेटर ऑन अब आपको आराम से पता चलेगा तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिसिस इसने भी जिस तरह सुपरमैन ने फैक्टर एनालिसिस किया उसने भी फैक्टर एनालिस करके ये कहा कि दे आर सेवन बेसिक मेंटल एबिलिटीज यानी प्राइमरी मेंटल और ये जो सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ना सब में पाया जाता है किसी में काम किसी में ज्यादा लेकिन सब में पाया जाता है ठीक है एंड विच आर एज अंडर तो क्या क्या है बेटा क्या क्या है नंबर वन याद रखना मेरे साथ रिपीट करो बेटा मेरे साथ रिपीट करो पहला है वर्बल कंप्रहेंशन वर्बल यानी यू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट यू हैिटी टू मेक यूज ऑफ यूर लैंग्वेज और

तो वर्बली यू आर कंप्रहेंडिंग दिस मैं जो बोल रहा हूं आप स्वयं कंप्रहेंड करते हो उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी वर्ड हाउ फलंटली यू मेक यूज ऑफ योर वर्ड्स दैट यू नो ओके मेमोराइजिंग एबिलिटी आप एक कितनी एबिलिटी है कि जब आप वर्ड्स को देखते हो किसी चीज़ को गेन करते हो आप के अंदर कितनी ताकत है इसको याद रखने की तो एबिलिटी टू रिमेंबर द थिंग्स तो इट इज़ मेमोराइजिंग एबिलिटी है ना सिंपल स्पैटियल एबिलिटी गो द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द सुपेस दैट आर प्रेजेंट इन द स्पेस इसमें अगर हम कैटेगरी देखेंगे इसमें सेलर्स आएंगे पाइलॉट्स आएंगे यू you नो know, तो इनमें थ्री डायमेंशनल परसेप्शनल विजन सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है स्पेशल uh, इन इसके रिलेटेड जो जो भी यहाँ पे साथ मैंने लिखे हैं ना इस साथ के रिलेटेड मैं एक पेज आपके साथ शेयर करूँगा वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको और ज़्यादा समझ आएगा अनदर इज बेटा परसेप्चुअल एबिलिटी देन यू हैव रीजनिंग एबिलिटी एंड देन रीजनिंग एबिलिटी को डिवाइड किया गया है दो चीज़ों में वन इज़ इंडक्टिव रीजनिंग अनदर इज़ डिडक्टिव रीजनिंग तो इसीलिए मैंने कहा सेवन यहाँ तक सेवन है और ए एट एंड नाइन आगे ना नाइन ना बेटा तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए इसको याद रखना जरूरी है तो चलते बेटा आपके साथ अब शेयर करेंगे इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और हां अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट वीडियो एंड अपडेट्स और इन आज से आप ही लोगों की क्लास होगी क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है तो आप जब तक मैं आप लोगों का सिलेबस कवर नहीं करूंगा तब तक हम नहीं बैठेंगे ठीक है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं एग्जाम है अभी मुझे लगता है आई डोंट रिमेंबर कि आपका पेपर एजुकेशन का पेपर कब है आई डोंट नो ऑन विच डेट दैट इज लेट मी चेक बट बहुत मतलब uh, पहले आई है बस कुछ ही दिन बचे हैं थर्टी अप्रैल uh, को आपका एग्जाम है तो आई यू ऑल द बेस्ट टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बस जुड़े रहे अपने शायद सर के साथ तो चले बेटा हम ये वाला जो पोर्शन है आपके साथ शेयर करेंगे ओके okay. हाँ बेटा तो अब आप देख सकते हैं आराम से ये जो सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है अभी मैंने क्या कहा कि सेवन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में जो वर्बल कॉम्प्रहेंशन है देखो वर्बल कम्प्रहेंशन देखो इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज वर्बल रिलेशन वर्ड्स एंड आइडियाज हैं इन अदर वर्ड्स इट इज़ द एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स इन प्लानिंग थिंकिंग एंड कम्यूनिकेशन तो ये आराम से आपको अब आप समझ आएगा दूसरा चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी पे इट इज़ द एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन क्विकली एंड एकटली जो अभी मैंने कहा तीसरा क्या है बेटा वर्ड फ्लुएंसी इट इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स और टू फाइंड द वर्ड्स एट दिएट टाइम तो चलते बेटा फोर्थ वन जो है मेमोराइजिंग एबिलिटी सो इट इज द एबिलिटी टू मेमोराइज क्विकली एंड एक्यूरेटली हाउ एबल यू आर टू मेमोराइज द थिंग्स ये तो मैंने बताया था आपको ओके okay, चलते हैं बेटा दूसरा जो है स्पैटियल एबिलिटी स्पैटियल एबिलिटी में क्या है इट इज़ द एबिलिटी टू मैनुपलेट एन ऑब्जेक्ट इमेजिनेटिवली इन स्पेस तो थ्री थ्री डायमेंशनल स्पेस मैंने अभी बात की थी आ, आपके साथ देखिए स्पैशियल एबिलिटी अनदर इज़ बेटा परसेपच्चुअल एबिलिटी परसेपच्चुअल एबिलिटी में इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव ऑब्जेक्ट इज ओके नाउ सेवनथ वन इज रीजनिंग एबिलिटी इट इज़ द एबिलिटी टू सी रिलेशनशिप्स In situation is described in symbols, it may be inductive or deductive. Huh? इंडक्टिव में क्या है इट इज़ द एबिलिटी टू ड्रा इन्फ्रेंसिस ऑन कंक्लूजन ऑन द बेस ऑफ स्पेसिफिक इंस्टेंस यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्टेंस है और यहाँ पे जनरलाइज इंस्टेंस है डिडक्टिव में जनरलाइज करते हैं और इंडक्टिव में हम स्पेसिफाई करते हैं तो बेटा दीज आर सेवन बेसिक प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो कि प्रोपाउंड uh, किया था एले हॉर्स्टन ने आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया तो जितना मैंने बोर्ड पर लिखा और जितना मैंने इस पेज पर आपके साथ शेयर किया तो एक अच्छा खासा नोट बन गया आप इसी को नोट बनाओगे और बिल्कुल आपको दोबारा मतलब बाकी नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाला आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आया इफ रियली देन प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो तो बाकी जितने भी बच्चे हैं उनके साथ ही जल्दी जल्दी से शेयर करो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ओके okay? तो बी हैप्पी एंड बी रिलैक्सड माई डियर एंड इन एडवांस माई डियर विश यू ऑल द बेस्ट टेंशन भी मत लेना और आराम से आप पढ़ेंगे इंशाला जब तक हम आपके साथ हैं आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं आई एम गोइंग टू कवर यूअर ऑल सिलेबस थैंक यू मेरा ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग